हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सरस्वती क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम आरओ एआरओ की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की जो हमारी सीरीज चल रही है उसी में आज हम नेक्स्ट वीडियो को लेके आए हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को किसने भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था? जब बाबर ने अफगानिस्तान पर आधिपत्य स्थापित कर लिया था उस टाइम बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने निमंत्रण दिया था? जिस समय बाबर ने अफगानिस्तान पर आक्रमण किया, आधिपत्य स्थापित किया, उसी टाइम दौलत खान पंजाब के जो सूबेदार थे उन्होंने सोचा था कि जिस तरह से बहुत सारे लोगों ने भारत पर आक्रमण किया और वो भारत को लूट कर चले गए, उसी तरह से बाबर भी भारत में आएगा और वो लूट कर ले जाएगा। लेकिन उसकी ये धारणा गलत साबित हुई। दौलत खान की ये सोच थी कि जब बाबर चला जाएगा तो इब्राहिम लोदी कमजोर पड़ जाएगा और उसके बाद वो दौलत खान का राजा घोषित कर देगा। तो दौलत खान ने निमंत्रण दिया था बाबर को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दौलत खान ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? ऑप्शन देख लीजिए, रामायण का, महाभाष्य का, ऑप्शन सी है महाभारत का, ऑप्शन डी अष्टाध्यायी का। रजनामा फारसी में अनुवाद किया गया है और कौन से हिंदू ग्रंथ का फारसी में अनुवाद करने के बाद उसका नाम रजनामा रखा गया? तो बताइए शाबाश, कौन से हिंदू ग्रंथ का फारसी में अनुवाद करने के नाम बाद में नाम रजनामा रखा गया? रामायण का, महाभाष्य का, महाभारत का या अष्टाध्यायी का? रामायण का अनुवाद किसने किया था? अबूज फौजी ने। और ये सब किसके द्वारा करवाया गया था अनुवाद? अकबर के द्वारा। अकबर महाभारत का अनुवाद करके उसका नाम क्या रखा गया था? रजनामा। महाभारत का फारसी में अनुवाद क्या कहलाता है? रजनामा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा और ये किया गया था बंदायूनी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में मुगलों और महाराणा प्रताप के बीच। 1576 ईस्वी में किस किस के बीच में हुआ था? मुगलों और महाराणा प्रताप के बीच में, राजपूतों के बीच में, मुगलों और राजपूतों के बीच में। राजपूतों की तरफ से महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था? तो हल्दी घाटी के युद्ध में राजपूतों का साथ दिया था अफगानों ने, तो अफगानों की तरफ से हकीम सुर उसकी अग्रिम टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे। किसके साथ मिलकर? महाराणा प्रताप के साथ मिलकर, और ये अफगान थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा हकीम सुर सेनापति के रूप में अफगान सेना का नेतृत्व कर रहे थे जो कि राजपूत सेना के पक्ष से लड़ाई कर रहे थे। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर चार है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है फयान 399 से 414 ईस्वी तक, इनके भारत आने का कालक्रम हमें बताना है। फयान 399 से 414, वेनसांग का दिया गया 629 से 645, इत्सिंग का दिया गया है 679 से 695 और अलमसूदी का दिया गया है 915 से 916। कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये हमें बताना है। तो सबसे पहले देख लीजिए फयान, जो कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आए थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आए थे। उसके बाद में वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। उसके बाद में इत्सिंग चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय। उसके बाद में है अलमसूदी, ये महिपाल के समय में भारत आए थे। गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक थे महिपाल, गुर्जर प्रतिहार वंश। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन किसके शासन काल में भारत आया था तो ये भी मैंने आपको बता दिया, इनको आप याद रखेंगे। और किस काल में आया था? फयान 399 से 414 एकदम करेक्ट है। उसके बाद है वेंगसांग 629 से 645, ये भी एकदम सही है। अलमसूदी 915 से 916 एकदम करेक्ट है। इत्सिंग का टाइम पीरियड था 672 से 693 ईस्वी।
ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इत सिंह का जो समयकाल दिया गया है ये गलत है, क्योंकि ये 672 से 693 तक थे और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किन राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया? कौन से राजा थे जिन्हें जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था? ऑप्शन ए है हर्षवर्धन, ऑप्शन बी है गोपाल, ऑप्शन सी है यशोवर्मन या ऑप्शन डी नंदी वर्मन पल्लवमल। तो कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा बताइए शाबाश। जिस भी क्वेश्चन का आपको आंसर आ रहा है वो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। पहला है हर्षवर्धन, जो वर्धन साम्राज्य के सबसे प्रतापी शासक थे। वर्धन साम्राज्य के सबसे प्रतापी शासक, उसके बाद में है गोपाल जिन्होंने पाल वंश की स्थापना की थी, पाल वंश के संस्थापक, उसके बाद में यशोवर्मन। यशोवर्मन कहाँ के शासक थे? ये थे कन्नौज। उसके बाद में है नंदी वर्मन पल्लवमल। इनके तो नाम से ही आपको पता लग जाता है ये कि ये पल्लव वंश से संबंधित है। ऑप्शन बी और सी, दो और चार इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी गोपाल और नंदी वर्मन पल्लव मल को जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी? दिल्ली सुल्तान की किस शासनकाल, किसके शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी? ऑप्शन ए देख लीजिए कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, ऑप्शन बी है नसीरुद्दीन महमूद, ऑप्शन सी है नसीरुद्दीन खुसरो शाह या ऑप्शन डी अलाउद्दीन मसूद शाह। तो किसके शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी? नसीरुद्दीन खुसरो शाह एक हिंदू व्यक्ति था, इसने बाद में अपना धर्म परिवर्तन किया और मुस्लिम बना था। ये इसने खुद को पैगंबर का सेनापति घोषित किया था, हिंदू व्यक्ति था और बाद में धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम बना था, और इसी के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी, जिसकी वजह से बहुत सारे मुसलमान इनके विरुद्ध हो गए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, नसीरुद्दीन खुसरो शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था? तो किस सुल्तान के द्वारा साम्राज्य की सीमाओं हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया गया था? ऑप्शन देख लीजिए इल्तुतमिस, ऑप्शन बी है नसीरुद्दीन महमूद, ऑप्शन सी है बलबन या ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। तो बताइए शाबाश, किस शासक के द्वारा एक विशेष सेना को नियुक्त किया गया था? इल्तुतमिस का साम्राज्य सबसे बड़ा साम्राज्य था। कहा जाता है कि इसके 300 सालों बाद तक भी इतना बड़ा साम्राज्य किसी के भी आधिपत्य में नहीं था। गंधार से लेकर यानी अफगानिस्तान से मध्य भारत तक इतने बड़े साम्राज्य पे किसका आधिपत्य था? अलाउद्दीन खिलजी का। अब साम्राज्य इतना बड़ा है तो उसकी सुरक्षा के लिए सेनाओं को तो रखना होगा, तो ये किसके द्वारा हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? अंतिम सूबेदार कौन था जिसे नियुक्त किया गया था, क्योंकि उसके बाद वंशानुगत आधार पे ही होते थे, उससे पहले लास्ट में नियुक्त करने वाले थे 1717 में मुर्शिद कुली खां को, और इसी ने बाद में ढाका से मुर्शिदाबाद जो है बंगाल की राजधानी किसको स्थापित किया था? मुर्शिदाबाद। ढाका से मुर्शिदाबाद, बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थापित की थी मुर्शिद कुली खान ने, और इसे फर्कुशियर के द्वारा 1717 ईस्वी में सूबेदार नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसे गुरु नानक जी ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? गुरु नानक देव जी सिखों के प्रथम गुरु थे, गुरु नानक देव जी ये प्रथम गुरु थे सिखों के,
और आपको पता है कि दूसरे गुरु कौन थे? गुरु अगनदेव। गुरु अगनदेव को गुरु नानक देव जी ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। ऑप्शन देख लीजिए, बाला, लहना, मर्दाना, श्रीचंद। उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? गुरु अगनदेव को। और गुरु अगनदेव का बचपन का नाम था लहना। लहना को अगन नाम दिया था गुरु नानक देव जी ने। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। गुरु नानक देव जी ने लहना को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, जो बाद में गुरु अगनदेव सिखों के दूसरे गुरु, ये सिखों के दूसरे गुरु थे और इन्हें अगन नाम दिया गया था गुरु नानक देव जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल का नहीं था? कौन सा यात्री भारत आने वाला जो है पुर्तगाल का नहीं था? ऑप्शन ए है दुआर्ट बारबोसा, ऑप्शन बी है डोमिंगो पायस, ऑप्शन सी है पीटर मुंडी, ऑप्शन डी है फर्नाओ नुनीज। कौन सा यात्री भारत आने वाला जो है पुर्तगाल का नहीं था? डोमिंगो पायस बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, क्योंकि ये विजयनगर के शासक, विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय के शासनकाल में भारत आया था कृष्णदेव राय, और उसने कृष्णदेव राय के बारे में लिखा है शासनकाल में। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ये नाम आप याद रखेंगे डोमिंगो पायस। लेकिन यहाँ पे हमसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल का नहीं था, तो पीटर मुंडी जो है पुर्तगाल के नहीं थे, ये कहाँ के थे? ब्रिटेन के लेखक और व्यापारी थे, ब्रिटेन के। बाकी तीनों पुर्तगाल के थे, दुआर्ट बारबोसा, डोमिंगो पायस, फर्नाओ नुनीज। डोमिंगो पायस जो विजयनगर के शासनकाल में, विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय के शासनकाल में भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन देख लीजिए, लाला हरदयाल द्वारा गद्दर पार्टी की स्थापना, ऑप्शन बी है गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना, ऑप्शन सी है हिक्की के बंगाल गजट का प्रकाशन, ऑप्शन डी है सर विलियम जोन्स द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। तो कौन सी घटना किस समय में हुई थी, इन्हें हमें काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। सबसे पहले है लाला हरदयाल द्वारा गद्दर पार्टी की स्थापना, तो ये हुई थी 1913 में, कहाँ पे? अमेरिका में, लाला हरदयाल के द्वारा अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुई थी अमेरिका। दूसरा है गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में महाराष्ट्र के पुणे में हुई थी। हिक्की के बंगाल गजट का प्रकाशन 1780 में और सर विलियम जोन्स द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा? लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना 1913 में, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 महाराष्ट्र पुणे में, हिक्की के बंगाल गजट का प्रकाशन 1780 में और सर विलियम जोन्स द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में। तो सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी? 1780 में हिक्की के बंगाल गजट का प्रकाशन, तीन नंबर घटना सबसे पहले हुई थी, तो दो तो वैसे ही गलत हो जाएंगे। देखिए, आपको एलिमिनेशन मेथड के द्वारा आंसर निकालना आना चाहिए। जैसे आपने देख लिया कि अगर आपको एक दो घटनाओं का ही पता है तो भी आप उससे अपना आंसर निकाल ले जाते हैं। सबसे पहले 1780 में, उसके बाद में 1784, तीन के बाद चार, ये दोनों में है, उसके बाद में 1905 में, दो पहले आएगा और एक बाद में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 3421, 3421। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता के संदर्भ में कौन से कथन सत्य है? फोर्ट विलियम कॉलेज, ऑप्शन ए देख लीजिए, इसकी स्थापना 10 जून 1800 को कोलकाता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में हुई थी। दूसरा है, इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था। कौन से इसमें सही है? केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, या ना तो एक ना ही दो? पहला देख लेते हैं, इसकी स्थापना 10 जून 1800 को कोलकाता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में हुई थी। 10 जून को नहीं, इसकी स्थापना हुई थी 10 जुलाई को, 10 जुलाई 1800 को कोलकाता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में। तो पहला तो गलत हो जाएगा।
दूसरा है, इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था। एकदम करेक्ट है, क्योंकि जब तक ब्रिटिश अधिकारी भारतीय भाषाओं को नहीं जानेंगे, उन्हें भारतीय भाषाओं का ज्ञान नहीं होगा, तो वो यहाँ के लोगों से संवाद नहीं कर पाएंगे, वो यहाँ के बारे में नहीं जान पाएंगे। तो इसलिए यहाँ के लोगों से व्यापार करने के लिए और यहाँ के राजाओं से भी बातचीत करने के लिए उन्हें भारतीय भाषाओं का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी था। तो 10 जुलाई 1800 को कोलकाता फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी, लेकिन 1802 में इसे बंद कर दिया गया और उसके बाद 1806 में ब्रिटेन में ही ये भारतीय भाषाओं की शिक्षा ब्रिटिश अधिकारियों को दी जाने लगी। 1806 से 1802 तक ये चला था, 1802 में इसे बंद कर दिया गया। तो पहला गलत है, लेकिन दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, केवल दो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाले कवि कौन थे? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, भोजपुरी में लिखी गई है कविता, आपसे पूछा भी जा सकता है कि फिरंगिया किस भाषा में लिखी गई है, तो फिरंगिया भोजपुरी भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन देख लीजिए, मनोरंजन प्रसाद सिन्हा के द्वारा, ऑप्शन बी है रंजन प्रसाद द्वारा, ऑप्शन सी है त्रिलोकी सिंह के द्वारा, या ऑप्शन डी राजेंद्र पांडे के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है फिरंगिया? फिरंगिया को लिखा गया था 1921 में, जिस टाइम असहयोग आंदोलन चल रहा था, असहयोग आंदोलन जिस टाइम चल रहा था। कब शुरू हुआ था असहयोग आंदोलन? 1920 से 1922 तक, और 1922 में चोरा चोरी घटना के कारण इसे बंद कर दिया गया, चोरा चोरी घटना के कारण। किसके द्वारा चलाया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। फिरंगिया कविता लिखी गई थी मनोरंजन प्रसाद सिन्हा के द्वारा, 1921 में लिखी गई थी भोजपुरी में। ये बिहार के रहने वाले थे, बिहार के छपरा के राजेंद्र कॉलेज के, छपरा के राजेंद्र कॉलेज के प्रधानाचार्य भी रहे थे ये। मनोरंजन प्रसाद सिन्हा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिरंगिया कविता लिखने वाले कवि थे मनोरंजन प्रसाद सिन्हा, और इन्होंने ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध ये कविता लिखी थी भोजपुरी भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, काकोरी षड्यंत्र केस के प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल उत्तर प्रदेश के किस शहर में इनको फांसी दी गई थी? काकोरी षड्यंत्र केस मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी ये फिलहाल हाल फिलहाल चर्चा में भी रहा था, क्योंकि योगी जी ने इसका नाम काकोरी षड्यंत्र केस से काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है, काकोरी ट्रेन एक्शन। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, काकोरी षड्यंत्र केस का नाम बदलकर क्या कर दिया है? काकोरी ट्रेन एक्शन। और हमसे पूछा गया है कि इसके प्रधान आरोपी, इसके आरोप काकोरी षड्यंत्र केस रचने वाले कौन कौन थे? राजेंद्र लाहिड़ी, ये नाम आप नोट कर लीजिए, कौन कौन इसमें शामिल थे ये भी पूछा जा सकता है। राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खान और राम प्रसाद बिस्मिल, और इन्हें फांसी किस शहर में दी गई थी? गोरखपुर में। काकोरी षड्यंत्र केस घटना हुई थी 9 अगस्त 1925 को, 9 अगस्त 1925 को, और उन्हें फांसी दी गई थी, फांसी कब दी गई थी? 1927 में, 1927 में इन्हें फांसी दी गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी गोरखपुर में 1927 में काकोरी षड्यंत्र केस हुआ था 9 अगस्त 1925 को। इसमें शामिल कौन कौन थे? राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खान और राम प्रसाद बिस्मिल। क्वेश्चन नंबर 15 है, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्राय कंपनी बहादुर की शानो शौकत कहा स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था? ऑप्शन ए है कोतवाल, ऑप्शन बी है दरोगा, ऑप्शन सी है अमला, या ऑप्शन डी जमींदार। मुगल काल में पुलिस प्रधान जो होते थे, उन्हें क्या कहा जाता था? कोतवाल, दरोगा, ब्रिटिश काल में पुलिस प्रधान हुआ करते थे दरोगा, और इनकी सहायता के लिए एक पुलिस अधिकारी भी नियुक्त किया जाता था। भारत में पुलिस
प्रशासनिक सुधार जितने भी किए गए थे वो किए गए थे कार्नवालिस के द्वारा, सबसे ज्यादा कार्नवालिस के द्वारा प्रशासनिक सुधार। कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है तो आपका छूटना नहीं चाहिए, आपको सारे टॉपिक अच्छे से कवर कर लेने हैं। कोतवाल मुगल काल में पुलिस का प्रधान हुआ करता था और दरोगा ब्रिटिश काल में पुलिस प्रधान हुआ करता था, जिसे प्राय कंपनी बहादुर की शानो शौकत कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश काल में दरोगा को कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति के चार अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए शाबाश, संस्कृति के चार अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन देख लीजिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त या जय शंकर प्रसाद। संस्कृति के चार अध्याय पुस्तक के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। इनकी कुछ और पुस्तकों के नाम है रश्मि रथी, कुरुक्षेत्र, ये भी इन्हीं की है, रश्मि रथी, कुरुक्षेत्र। संस्कृति के चार अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। इसके अलावा रेणुका, हुंकार, उर्वशी, कई बार ये भी परीक्षा में आपसे पूछ ली जाती है, तो ये सारी आप नोट कर लेंगे। ये सारी किसके द्वारा लिखी गई है? रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था? ब्रिटिश भारत में जब ब्रिटिश का भारत पर शासन था तो उस टाइम सैन्य बल पर कितना राजस्व का कितना खर्च होता था? ऑप्शन देख लीजिए, 40%, 45%, 52% या 55%। ब्रिटिश का जब लगभग दुनिया पे हुकूमत चलती थी तो बहुत सारे ऐसे देश थे जो ब्रिटेन के उपनिवेश थे, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण उपनिवेश था, उसमें सबसे महत्वपूर्ण उपनिवेश था भारत। तो भारत की अन्य देशों जैसे रशिया, जर्मनी, जापान से रक्षा करनी होती थी, और उसके लिए सबसे ज्यादा सैन्य बल पे खर्च किया जाता था, और कितना खर्च किया जाता था? 52%। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 52%। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। शेर शाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था? शेर शाह सूरी का अंतिम अभियान किस राज्य के विरुद्ध था? बताइए शाबाश। कालिंजर का युद्ध कब हुआ था? 1545 ईस्वी में। किसके बीच में? शेरशाह और कालिंजर के शासक जयपाल के बीच में, शेरशाह और कालिंजर के शासक। उसके बाद में है मालवा का युद्ध। मालवा का युद्ध कब हुआ था? 1549 में। कन्नौज का युद्ध और गोड़ का युद्ध, कन्नौज का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो ये 1540 में हुआ था, हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में। हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में। अकबर और दिलावर खान के बीच में, दिलावर खान के बीच में। कालिंजर का युद्ध 1545 में शेरशाह और कालिंजर के शासक के बीच में, मालवा का 1560 में हुआ था, अकबर और दिलावर खान के बीच में, कन्नौज का 1540 में, सन यहां लिख देती हूँ मैं, 1540 में, शेरशाह और हुमायूं के बीच में। गोड़, कहा जाता है कि भगवान राम जब अयोध्या वापस लौट के आए थे तो उसके बाद भरत को गंधार का साम्राज्य सौंप दिया गया था। कहाँ के राजा बने थे वो? गंधार के। और गंधार में जो भरत के वंशज थे वो आगे चल के क्या कहलाए थे? गोड़। और ये एक राजपूत प्रजाति है, राजपूत जाति से संबंधित थे गोड़। और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था?
तो शेर शाह सूरी ने 1545 में जब कालिंजर पर आक्रमण किया था तो कहा जाता है कि कालिंजर का किला इतना ऊंचा था और उसकी दीवारें भी इतनी मजबूत थी कि जब शेर शाह सूरी ने वहां पे गोला दागा, बारूद का गोला, तो वो उसी के बारूद के ढेर पे वापस आके गिरा, जिसकी वजह से शेर शाह सूरी जख्मी हो गया और कुछ समय पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कालिंजर का युद्ध उनका अंतिम अभियान था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। मालवा का युद्ध 1560 में अकबर और दिलावर खान के बीच में, कन्नौज का युद्ध हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। चलिए, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था? खलीफा किसने घोषित किया था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक? किस शासक ने किया था? बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मुबारक खिलजी ने, कुतुबद्दीन मुबारक खिलजी, जिन्हें मुबारक खिलजी हम कहते हैं, इनका पूरा नाम था कुतुबद्दीन मुबारक खिलजी। कुतुबद्दीन ऐबक अलग थे और कुतुबद्दीन मुबारक खिलजी ये अलग थे। कुतुबद्दीन मुबारक खिलजी, इनका 1316 से 1320 ईस्वी तक इनका शासन रहा था। 1316 से 1320 ईस्वी तक इनका शासन था। और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो बाजार नियंत्रण व्यवस्था थी, इसको भी इन्होंने खत्म किया था। बाजार नियंत्रण व्यवस्था किसके द्वारा चलाई गई थी? ये चलाई गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, और इसे मुबारक, कुतुबद्दीन मुबारक खिलजी ने इसे खत्म किया था। और इन्होंने खुद को दिल्ली खलीफा घोषित किया था। कौन से दिल्ली के सुल्तान थे? मुबारक खिलजी, कुतुबद्दीन मुबारक खिलजी, जिन्होंने खुद को खलीफा घोषित किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युद्धों पर विचार कीजिए तथा उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। कौन सा युद्ध किस टाइम पे हुआ था और उन्हें इनके काल क्रमानुसार हमें व्यवस्थित करना है। ऑप्शन नंबर ए है कन्नौज का युद्ध। तो कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? अभी हमने देखा था कि 1540 ईस्वी में शेरशाह और हुमायूं के बीच में हुआ था। शेरशाह और हुमायूं के बीच में, उसके बाद में है चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? तो चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 ईस्वी में, मुगलों और राजपूतों के मध्य। मुगलों और राजपूतों के मध्य चंदेरी का युद्ध हुआ था। उसके बाद में है तालीकोटा का युद्ध। तो तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था एक हिंदू शासक, विजयनगर के हिंदू शासक थे, 1565 में, और 1565 ईस्वी में हुआ था विजयनगर के हिंदू शासक, विजयनगर के हिंदू शासक, और एक तरफ थे चार मुसलमान शासक थे इनके खिलाफ। इसमें विजयनगर के शासक की हार हुई थी। चार मुस्लिम शासकों और विजयनगर के हिंदू शासक के मध्य 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। कर्नाटक में हुआ था ये। उसके बाद है चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था। ये भी किसके मध्य हुआ था? ये भी शेरशाह और हुमायूं के बीच में हुआ था। चौसा के युद्ध के बाद में शेरशाह और हुमायूं के बीच में कौन सा युद्ध हुआ? कन्नौज का युद्ध, शेरशाह और हुमायूं के बीच। ये दोनों युद्ध शेरशाह और हुमायूं के बीच में हुए थे। कन्नौज का युद्ध 1540 में शेरशाह और हुमायूं के बीच में, चंदेरी का युद्ध 1528 में मुगलों और राजपूतों के बीच में, तालीकोटा का युद्ध हुआ था एक विजयनगर के हिंदू शासक और चार मुस्लिम शासकों के बीच में, चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में शेरशाह और हुमायूं के बीच में। काल क्रमानुसार अगर हम इन्हें व्यवस्थित करें तो सबसे पहले हुआ था चंदेरी का युद्ध, उसके बाद में हुआ था चौसा का युद्ध, और उसके बाद में हुआ था कन्नौज का युद्ध, और अंत में आता है तालीकोटा का युद्ध। 3142 इसका सही आंसर हो जाएगा। 3142। तो आज की क्लास में हमने 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, और ये सारे के सारे क्वेश्चन वो है जो आपके आरओ एआरओ के एग्जाम में पूछे गए हैं। ये आपके आरओ एआरओ यूपीपीसीएस बीडीओ इन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चन को आप एक बार अच्छे से कवर कर लेते हैं। एक बार में अगर आपसे नहीं होते हैं तो आप इस वीडियो को दो बार देख लीजिए, ताकि आपके क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट हो जाए। तो अगर आप भी अब आरओ एआरओ के पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो आप भी हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।